मंत्री पारसनाथ यादव का स्टिंग। आज पारसनाथ नहीं, सत्ता का नशा बोलेगा। ये जमीन कब्जाने के लिए कुछ भी करते हैं। सत्ता के नशे में मंत्री ने बोला सारा सच। जी हाँ, आज आप यूपी सरकार के एक ताकतवर मंत्री का पूरा सच देखेंगे। जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान होंगे और सोचेंगे कि सत्ता के नशे में एक मंत्री कुछ भी कर सकता है। कैसे वो गुंडागर्दी पर उतारू हो जाता है, वो धमकी देता है, वो लालच देता है। मंत्री जी का नाम है पारसनाथ यादव। मंत्री पारसनाथ यादव का स्टिंग। आज पारसनाथ नहीं, सत्ता का नशा बोलेगा। ये जमीन कब्जाने के लिए कुछ भी करते हैं। सत्ता के नशे में मंत्री ने बोला सारा सच। तो सवाल यह है कि सूबे के ताकतवर मंत्री पारसनाथ यादव किस तरीके से जमीन के लिए एक महिला को धमकाते नजर आए, लालच दिया और सत्ता की हनक दिखाई, लेकिन अभी तक भी वो पद पर बने हुए हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ पीड़ित उषा मौर्य भी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल मंत्री पारसनाथ यादव ने उषा मौर्य की जमीन हड़प ली। उषा मौर्य ने पुलिस से लेकर डीएम तक गुहार लगाई, लेकिन मंत्री रसूखदार हैं तो कुछ नहीं हुआ। उषा मौर्य अदालत गई तो अदालत ने साफ कहा कि जमीन उषा मौर्य की ही है, इसे कब्जा दिलाया जाए। लेकिन मंत्री का गुंडा बेटा और खुद मंत्री किसी भी हालत में ये जमीन हड़पना चाहते हैं, लिहाजा अब उसने उषा मौर्य को पहले धमकी दी फिर लालच। हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि जो मंत्री का स्टिंग हुआ है वो खुद उषा मौर्य ने किया है और उषा मौर्य की जो आवाज आप तक पहुंच रही है उसकी कड़ी बने हैं समाचार प्लस के जौनपुर संवाददाता जावेद अहमद। बात करने से कोई फायदा तो निकल नहीं रहा है, आप फर्जी पर मुकदमा लड़ेंगे? नहीं नहीं, लड़ने के नहीं कर रहे, इसी बात के लिए आए, इन सबों के प्रकरण का तो लड़ाई का कोई अंत नहीं होता और ये मुकदमा लड़ाई में चला गया। अब लड़ाई के बाद जो निर्णय फाइनल आएगा, फाइनल निर्णय तो सब हमारे पास में बोर्ड तक हो चुका है सर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक हो चुका है, हाईकोर्ट तक हो चुका है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो प्रकरण है वो फिलहाल करके ये लड़ाई का विषय है। आप जो भी भगवान भगवत बुद्धि दे हमको और जितना तुम सोच रही हो उतना लड़ाई के अंत नहीं होगा, लेकिन बदनाम जितना करना था कर, हम बदनाम नहीं किए, मेरा बदनाम पर होगा कि आप उसमें बदनाम न करो। और हम आपको बदनाम किया था सर, आप आए थे तो क्या कहने आए थे, यही मतलब कागज पत्र ये हम भी जानते थे, आप भी जानते थे, लेकिन आप कर अनुरोध करने आया था, अनुरोध करने क्या हम जमीन छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें? नहीं ऐसे नहीं, तब आप बताते आप तो करेंगे हम नहीं। मैं जब तू कह रही हो सम्मान कुछ नहीं देख रही हो, गाँव से मुझे पहले मेरी बात, मेरा घर नहीं है, आपका यहाँ घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका जमीन है, जायदाद। मैं गांव चला, गांव चलकर मैं आके निगोह बसा, दो चार बीघा तो वहां भी खरीदा, फिर निगोह के बाद मैं आ गया जोधपुर में। सुनो, ये गलत ढंग से हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन हो गया। अब जमीन मेरे पास और कोई है नहीं, इसी जमीन को लेकर के लेना चाहेंगी, मैं तैयार हूँ बता दी। और क्यों? इसलिए जो आदमी 400 करोड़ हर चुनाव में खर्च करता हो, फिर अगर तुम्हारी है उस बात को मानते हुए भी जो कहोगी उसको करने के लिए मैंने कहा था, उससे कहो आप कहिए प्रिंसिपल साहब आप भी चुनाव ना लड़ने जा रहे हैं। आपकी बात मान सकते हैं? नहीं, इनकी भी मानो हमारी भी, नहीं तो हम आपकी बात मानेंगे कि आप उसको क्या करना है। तुम्हारे पूरे मन से कहने आया हूँ, मुझे खुल के कह दिया प्रिंसिपल साहब से, ये सोचे कि मंत्री जी मिलेंगे तो कुछ कह लेंगे। हाँ। मैं उनसे वही कह दिया था कि जो लोगों का साथ हो रहा है आज की तारीख में, जितने भी लोग होंगे उसको गुमराह करके उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ देंगे नहीं। अगर देने की हैसियत में आए हूँ तो उसकी जमीन का जो कुछ भी है वो दे सकता हूँ, उसके बेटे को और उसके लिए भी कुछ भविष्य के लिए भी कर सकता हूँ आज की तारीख में। उसमें अगर मैं किसी की हैसियत है मेरी, मैंने इनसे कहा कि बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा
तो मैं उसको जो है उद्यान निरीक्षक बना दूंगा और उसका भविष्य हो जाएगा और उसका भी वो हो जाएगा, ये हम उसको नियुक्ति पर परमानेंट दे देंगे। ये मेरी हैसियत में है, मेरे अधिकार में, मेरा विभाग है। मेरी पत्नी कोल्ड स्टोरेज में थी, तीन चार से गाय भैंसी थी, उनको चारा के लिए उनकी वही जमीन मिली रजिस्ट्री के नाते वो देती है। लेकिन जब विवाद हो जाएगा कि कानून कोई खा नहीं जाएगा, अभी मार्च 2015 में मरियाओं से वो जो है इससे खत्म हुआ और ये सोनकर के पोजीशन में हुई, सोनकर के पोजीशन में रहने के नाते कब्जा किसी का नहीं था, उसी का था। लेकिन जब हमारी रजिस्ट्री हुई उसके बाद से न सोनकर न कुछ, वो मुकदमा चलता भी रहा इस्ते वाला, और उसमें भी 145 के लिए आप थाने भी गई थी, ये रिश्ते है इसको न जूता बोया जाए, लेकिन मुकदमा हो रहा था। जब जानती हो कि ताकत है सत्ता है तो थोड़ा मदद तो हमको मिलेगी ही, हमारी मदद तो अधिकारी करेगा ही, इसमें दो राय नहीं। हम कह रहे हैं लड़ाई कानून में मुकदमे को और नहीं होता, कानून तुम्हारे पक्ष में है मैं ये भी मान ले रहा हूँ, लेकिन लड़ाई में क्या होगा कौन जानता है, भविष्य के घर पर है। मतलब आप ये मानते हैं कि वो जमीन मेरी है, आप मानते हैं? मान लिया, जब खतौनी मेरा नाम दर्ज है तो वो जमीन मेरी है, मैं मान लिया। और दूसरे लेकिन इतना ध्यान रखे कि हमारी जितनी बदनामी नेकनामी जो हुई है हुई है, मैं उसका इससे मुआवजा नहीं ले रहा हूँ, और न मुआवजा लिए वो भरपाई होगी। हाँ, मुलायम सिंह ने यही मुझसे कहा, राम गोपाल जी ने भी कहा, जो लोग लेके आए थे मैं बारह जानता हूँ, सुनो कैसे छोड़ो, तुम ठीक हो, तुम चली गई अकेले गई कैसे गई, लेकिन वो कहे हमसे कि चले जाओ और इन सबों से बात कर लो, ये मीडिया वाले तुम्हारे पीछे आगे पड़े रहते, ये निकालेंगे जिससे जनता है बदनामी होती, यही मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो ये हकीकत है सूबे के ताकतवर मंत्री पारसनाथ यादव की, खुद कबूल कर रहे हैं कि जमीन उनकी नहीं है लेकिन किसी भी कीमत पर चाहिए, धमका भी रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं सत्ता की हनक दिखाते हुए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उषा मौर्य जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, बिना घबराए खुलकर बताइए, हालांकि स्टिंग भी हमने देखा, क्या कुछ धमकी आपको दी जा रही थी पारसनाथ यादव की तरफ से और क्यों? हेलो जी, हाँ मैम, मैं बता रही हूँ कि पारसनाथ यादव मेरी जमीन कब्जा कर ली है। मैं इस बात को दो साल से शासन और प्रशासन तक लगातार गुहार लगाती रही, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से विनती करती रही कि मेरे आवाज सुनने और मुझे न्याय दिला दे, लेकिन पारसनाथ यादव एक ऐसा षड्यंत्रकारी मंत्री है जो अपने मुख्यमंत्री और माननीय नेता सर जी को, प्रोफेसर साहब जी को, इन लोगों से कहता था कि ये जमीन से मेरा कुछ लेना देना नहीं, ऐसे करके गुमराह करता था। दो साल से मुझे प्रताड़ित करता रहा। 25 जून को मेरी नाबालिग बेटी के साथ इसका बेटा लक्ष्मी यादव ने बदतमीजी की, अश्लीलता की, अभद्रता की, मारपीट की। उस समय जितने भी जौनपुर के ऑफिसर थे कोई भी उसकी मदद नहीं की। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री से लगातार मतलब सोशल मीडिया पर लगातार उनसे रिक्वेस्ट करती रही, उसके बाद भी कोई मदद नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट की, महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसकी कॉपी मेरे पास है, डीएम ने टीम गठित कर दी जमीन मुझे दिलाने के लिए, उसकी भी काफी मेरे पास है, लेकिन पारसनाथ यादव मुझे लगातार धमकाता रहा। मेरे घर के आसपास जैसे ही मामला प्रकाश में आया 25 जून के बाद, मेरे घर के आसपास पारसनाथ यादव के गुंडे, उसके बेटे के गुंडे इतना शोषण करने लगे, मेरी बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, उसका प्रमाण उसके अटेंडेंस से ले सकते हैं आप लोग, मुझे बोलेंगे प्रमाण के साथ बोलेंगे, मुझे इतना धमकाया गया, दहशत में मेरा पूरा मोहल्ला गांव दहशत में कर दिया गया कि जमीन पारसनाथ यादव को दे दीजिए, नहीं तो या कुछ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दीजिए। उसके बाद में सोशल मीडिया से माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार गुहार लगाती रही थी, राज्यपाल महोदय ने पत्र लिख दिया, उस पत्र की कॉपी मेरे पास आई, मुख्यमंत्री जी मेरी मदद करिए, मेरे बच्चे की मदद करिए, मेरी जान खतरे में, लेकिन कहीं कोई सुनने का नाम नहीं लिया। इसीलिए मेरी मदद नहीं थी, मैं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से कह रही थी कि आप मुझे मदद दिलवा दीजिए, ताकि बाद में पारसनाथ यादव ये ना कहे कि ये महिला किसी के कहने पर या कोई विरोधी पार्टी है। इसलिए मैं अकेले लगातार संघर्ष करती रही, लेकिन जब मेरे ऊपर इतना दबाव बन गया, मेरी जान तो खतरा हो गया कि अब ये मेरे परिवार को मरवा डालेगा, और कह रहा था कॉन्फ्रेंस में चल के उल्टा बोल दो, तब हमने
इससे मिलने की कृपा, ये मुझसे मिलने आया और मैं मिली मुझसे और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमने खुद की इसीलिए की समाज के जितने भी प्रिय भाई लोग हैं चाहे वो किसी पार्टी को, मुझे किसी से कुछ नहीं मतलब की तरफ, चाहे जिस पार्टी को चाहे वो सपा को चाहे जिससे हो, वो देख सकते हैं कि ये इतना उम्र दराज होता है ठीक है उषा मौर्य, हमने आपका स्टिंग भी हमने ठीक है उषा मौर्य, मेरे घर पर उठवा लिया गया, दूसरे दिन मेरे घर पर उठाया गया, बार बार मेरे घर पर उठवा लिया जाता है, बार बार यहाँ तक की बात बनने में बुलाता है, उसके बाद स्टोरेज में बुलाता है, मैं मिलने से इनकार करती हूँ। जब ये उषा मौर्य आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी हाँ जी ठीक है, आपकी बात आई। रविदास जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आवाज पारस बाबू की है, हिंदी में है, अंग्रेजी नहीं, कोई भ्रम नहीं, ना आवाज टूट रही है, ना धड़क रही है, ना टेप में सनसनाहट है, ना घरघराहट है, शीशे की तरह साफ। अब भी कुछ कहने को बचा है क्या रविदास जी? सर मुझे कहना है, अरे आपसे नहीं भाई उषा मौर्य, एक मिनट रुको रुको, आपकी बात आगे जी। रविदास जी, अमिताभ जी, मेरा आपसे पहली बार ये व्यक्तिगत अनुरोध है कि आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। जी बिल्कुल, मैं कई बार बैठा हूं और मैंने स्पष्ट किया है कि मैं विधायक हूं, जनता का प्रतिनिधि हूं और जनता का प्रवक्ता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने पूरे जीवन जो कमजोर, शोषित, पीड़ित और जिनके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए संघर्ष करने का काम किया है। मैंने पूरे जीवन कभी भी किसी ताकतवर आदमी के जो अन्याय कर रहा हो उसका साथ नहीं दिया है। और मैंने कई बार यह कहा है कि मैं किसी अन्याय करने वाले आदमी के बचाव करने के लिए कभी नहीं आता हूं। मैं आता हूं इसलिए कि पीड़ित को इंसाफ मिले, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। और आज भी मैं आपके पास आया हूं, मैंने कई बार कहा है कि मैं चाहता हूं, इसका मतलब ये होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तो मैंने आपसे कई बार ये कहा कि अगर कोई पीड़ित महिला है तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, इसके लिए हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हम किसी ताकतवर आदमी के जो इसके पास बहुत ताकत है, जो जुल्म कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, उसके साथ कभी जिंदगी में न खड़े हुए हैं न कभी खड़े होंगे। रविदास जी आपका सम्मान करता हूं। आप जो आपने प्रश्न किया है, जो आपने अब जो आपने प्रश्न किया है मैंने पूरा सुना है, स्टिंग ऑपरेशन भी और उषा वर्मा जी, उषा मौर्य जी की बात भी। निश्चित रूप से यह एकदम साफ किताब है और उषा मौर्य को न्याय मिले इसके लिए हम उषा मौर्य जी के साथ हैं। उनकी जमीन ली गई है, उनकी जमीन उनको मिले और इस पूरे प्रकरण में जांच हो और जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, स्टिंग ऑपरेशन में एकदम साफ बातें जो हैं, तो एक पीड़ित महिला को इंसाफ मिले, न्याय मिले, इसके लिए अमिताभ जी हम यहाँ पर आए हैं। जी ठीक बात रविदास भाई, ठीक है रविदास भाई, आइए स्पष्ट कर दूं जी बिल्कुल, मैं किसी भी आपकी किसी भी जी जी जुल्म करने वाले या अन्याय मैं आपसे परिचित के साथ नहीं हूँ, मैं आपसे परिचित हूँ। ओंकारनाथ जी, मुख्य मुद्दा ये नहीं अब कि उषा मौर्य की जमीन कितने बीघा है और वो जमीन इनको वापस मिल जाए तो मुद्दा खत्म हो जाए, ये विषय नहीं। अब ये मुद्दा बन गया, जमीन छोटा मुद्दा हो गया, मुद्दा बन गया क्या सत्ता अपनी धमक और अपनी हनक का इस्तेमाल इस तरह के व्यक्तिगत लाभों के लिए करेगी? क्या ताकतवर लोग गरीब को जीने नहीं देंगे? क्या ताकतवर लोग सार्वजनिक तौर पर यह कहने का दुस्साहस रखेंगे कि हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है, बाबू अधिकारी सब हमारे कहने से चलेंगे? ये तो जानते हो, क्या ये होगा कि हम जिसको चाहे अधिकारी बना देंगे, परमानेंट लेटर दे देंगे? क्या ये होगा
ये बड़ा सवाल है। आज उत्तर प्रदेश को ये तय करना ये पड़ेगा। मसला एक बीघा दो बीघा चार बीघा जमीन का नहीं, उषा मौर्या को जमीन मिल जाए या उसका पैसा मिल जाए उससे भी ये विषय खत्म नहीं होता मेरे लिए। ये मसला है सार्वजनिक जीवन में शुचिता का और नैतिक मूल्यों का। ओंकारनाथ जी क्या होना चाहिए? सही बात आपने कही, आपने बहुत सही बात कही। मंत्री तो बाद में आते हैं, मैं तो इसमें दोषी उनके बड़े नेताओं को मानता हूं। अभी जो आपने टेप सुनाया उसमें साफ साफ मंत्री ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा, नेताजी ने कहा, रामगोपाल जी ने कहा कि जाके वहां बात करो, नहीं तो ये प्रेस वाले जो हैं आपको छोड़ेंगे नहीं, और मैं जानता हूं वो किसके साथ आए थे। इसका क्या मतलब है? मंत्री यहां उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जमीन ये उषा मौर्य की है, और वो इसके बदले में तो मुख्यमंत्री को ये चाहिए था कि जब कोर्ट का ऑर्डर आया, जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यह कह दिया कि जमीन उषा मौर्य की है, तो इनको निकाल देना चाहिए था मंत्री पद से कि भाई इस तरह की सत्ता की हनक का दिखा के तुम क्या करना चाहते हो, हमारी सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो। अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये सरकार चलने वाली होती तो ये तो सरकार खुद मौका दे रही है ऐसे लोगों को। आप देखिए प्रजापति वाला मामला सामने आपके है, कितना बड़ा केस उनके ऊपर हुआ, लेकिन सरकार के जू नहीं रहेगी। अब ये खुद इस तरह की बात कर रहे हैं और ये बात आज टेप में सामने आई है हमारे आपके, ये तो मुख्यमंत्री पहले से जानते थे। तो जब ये पहले से जानते थे तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसको ये सरकार की गलती है, ये हम मंत्री की गलती नहीं मानते हैं। मंत्री तो बेलगाम है ही है, उनका लड़का बेलगाम है। ये जमीन जो है जौनपुर में पचहदिया से शाहगंज को एक सड़क जाती है, उस पर एक क्या कहते हैं वो है फायर ब्रिगेड का ऑफिस, और फायर ब्रिगेड के ऑफिस के बगल में तालाब है ये, और तालाब की उन्होंने जबरदस्ती रजिस्ट्री करा ली है, और वो गलत रजिस्ट्री कराई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसे खारिज भी कर दिया है, और उसके बाद भी सरकार जो है उसके जू नहीं रेंग रही है, और मंत्री को कह रहे हैं जाके उस महिला से मिलो और समझाओ जी, और पैसा देके बात करो जी। ओंकार जी ठीक बात है। राकेश त्रिपाठी, मूल प्रश्न ये कि एक कहावत थी, वो हर नाम उसमें कई नाम जुड़े, चचा केसरी का नाम जुड़ा, फिर औरों का जुड़ता रहा, खाता ना बही, जो फलाने कहें वही सही। ठीक, उत्तर प्रदेश में ऐसी प्रथा भी चल रही, जो मंत्री कहे वही सही, चाहे यहां कब्जा कर लो, चाहे यहां लूटपाट कुछ कर लो। लेकिन एक साल से ये मसला पार्टी हाईकमान और सरकार के नेतृत्व के संज्ञान में, एक साल से उषा मौर्या इस संघर्ष कर रही, दो साल से, जो बहुत अच्छी बात पकड़ी है ओंकारनाथ सिंह ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि पारस तुमने गलती की, तुमने पाप किया, उन्होंने कहा इसको सेटल कर लो जाके, मतलब उत्तर प्रदेश की भाषा में कहे अरे बल्ले देख निपटा हो यार, बवाल नहीं हो, ये भाव था। कैसे सुधार होगा फिर राकेश जी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आज मैं समाचार प्लस चैनल को बहुत बधाई दूंगा कि उसने अपने पत्रकारीय मूल्यों का पूरी तरह से निर्वहन करते वंचित और मजलूमों की आवाज उठाने का जो बीड़ा पत्रकारिता का है उसको पूरा किया है। जावेद साहब ने, आपके जो संवाददाता ने जो साहस का परिचय दिया है, उषा मौर्या जी को इस स्टिंग के लिए तैयार किया, और स्टिंग उषा मौर्या जी ने जो साहस दिखाया है ये स्टिंग किया है, जो असलियत मंत्री की जनता के सामने लेकर के आए हैं, इसके लिए इनके साहस को भी सलाम है। देखिए अमिताभ जी, आज नैतिक मूल्यों की बात मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बेईमानी हो गई है। मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक तौर पर सभाओं में अपने ये स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनों पर कब्जा करना बंद करें। मुझे लगता है कि आज उनकी इस बात से दो बातें झलक रही हैं कि सार्वजनिक तौर पर वो जो स्वीकार करते हैं अंदर खाने वास्तविकता में उसको लीपापोती करने का काम करते हैं। सार्वजनिक मंच पर वो मीडिया के सामने अपना फेस बचाते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का मुखिया अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित रहने की सीख दे रहा हूं, और अंदर खाने जब उनके पास शिकायत आती है तो कहते हैं ले देकर के सेटल कर लो। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की यह रीति नीति आज खुलकर के सामने आई है। यह समाजवादी पार्टी के कोई पहले मंत्री नहीं है जिनके बारे में इस प्रकार के आरोप आए हैं। समाजवादी पार्टी के एक और मंत्री की यह काली करतूत सामने आई है, इससे पहले गायत्री प्रसाद प्रजापति के लड़के के द्वारा भी इसी प्रकार से जनता के कब्जे करने का मामला था। राममूर्ति वर्मा जी का मामला हो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इतना दबाव बना दिया कि लड़के को यह कहना पड़ा कि मेरे पिता भ्रष्ट थे। इस पीड़ा को समझने की कोशिश करिए, समाजवादी पार्टी ने अपने तानाशाही की इंतहा कर दी है। मुझे लगता है 2017 के बाद उनको यह समझ में आ रहा है कि हमारी पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है,
और ऐसे में जितने दोनों हाथों से बटोर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा बटोर लो, जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर लो। इस बेलगाम सरकार को एक मिनट अब रहने का उत्तर प्रदेश में हक नहीं है, और ऐसे मंत्री जेल के सिकचों के पीछे होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर के कोर्ट तक जाने का आगे काम करेगी। ऐसे मंत्रियों को सत्ता में बने रहने का नैतिक सैद्धांतिक और विधिक किसी तरह का कोई हक नहीं है, और मुख्यमंत्री अपना चेहरा बचाना चाहते हैं तो उसको तुरंत बर्खास्त। राकेश, हम भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पर भी निगाह रखेंगे कि वो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रही है या नहीं, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रही है नहीं। रविदास जी, मुझे एक आपकी पार्टी का एक सार्वजनिक कार्यक्रम याद आता है जिसमें राम गोपाल जी भाषण दे रहे थे, और उनके शब्द मैं उद्धृत करता हूं अगर सही याद कर पा रहा हूं, उनसे खेद व्यक्त करते हुए, क्योंकि कहीं कुछ कॉमा फुल स्टॉप गलत हुआ तो कोशिश करूंगा वही शब्द मेरे दिमाग में आ जाए। उन्होंने कहा अगर जमीनों पर कब्जे का काम बंद नहीं करोगे तो 17 में सरकार वापस नहीं आ सकती, राम गोपाल यादव सार्वजनिक मंच से। तो पारसनाथ का जब मुकदमा उनकी अदालत में गया, उनकी अदालत में भी जा चुका है, मुख्यमंत्री का एक कोट करता हूं उद्धरण, मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारी पार्टी में आजकल जमीनी नेता ज्यादा हो गए, फिर उनका वो जमीनी नेता वैसे वाले नहीं, जमीन पर कब्जा करने वाले। मुख्यमंत्री जी की अदालत में भी यह मामला गया, नेताजी बोल चुके कम से कम 32 बार सार्वजनिक मंचों से पार्टी के, मंत्री भ्रष्ट हैं, मंत्री लूटपाट में लगे हैं, मंत्री कब्जा कर रहे हैं जमीनों पर मकानों पर, उनकी अदालत में भी गया और तीनों ने राय एक ही दी, पारस जाके सेटल कर लो ले दे के। ये तो दो चेहरे वाली बात हो गई रविदास जी, माइक पर दूसरी बात और बैठक में दूसरी बात अंदर कमरे में। अमिताभ जी, माननीय मुलायम सिंह जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी और राम गोपाल जी ने भी, तीनों लोगों ने यह बात कही कि जो मंत्री या नेता हैं वो जमीनों पर कब्जा करने का काम नहीं करें, और उसके बाद भी अगर कोई मंत्री कब्जा करने का काम कर रहा है तो ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं पूछा उसके लिए ओंकारनाथ सिंह जिम्मेदार है क्या? नहीं, उसके लिए ओंकारनाथ सिंह जिम्मेदार है क्या? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिम्मेदार है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जिम्मेदार है या अमिताभ अग्निहोत्री जिम्मेदार है? सबने बोला नहीं कब्जा करो, फिर भी कब्जा हो रहा है, क्या करे रविदास जी? देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले बोलने से पहले आपसे कहा था कि हमको मेरी बात पूरी सुन लीजिए, और मैंने उसमें स्पष्ट किया कि मैं किसी अन्याय करने वाले आदमी की पैरवी करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। हम इसलिए बैठे हैं कि उषा मौर्य को न्याय मिले, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो कमजोर है, बेबस है, लाचार है, असहाय है, ऐसे लोगों के साथ अगर कोई जुल्म और अन्याय हो तो उसके साथ हम लोग खड़े, और इसलिए कभी भी कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर पर जुल्म कर रहा हो तो ताकतवर आदमी के साथ हम नहीं खड़े हैं, हम उस कमजोर को न्याय मिले इसके लिए खड़े हैं। तो क्या करेंगे रविदास जी? पूरे अब क्या करेंगे? संघर्ष किया है रविदास जी, आज भी नहीं, उन्होंने जो किया वो तो किया उषा मौर्य ने, आप क्या करेंगे? मिले इसके पक्ष में है, आप पक्ष में है लेकिन करेंगे क्या वो मैं जानना चाह रहा हूं जी। उषा मौर्य के संघर्ष में किस तरह से योगदान देंगे? देखिए रविदास जी, आपसे एक बात पूछे। पहली बात तो ये है कि आप जो विषय उठाया है उषा मौर्य को, अब मेरी बात सुनिए ना आप, उषा मौर्य को न्याय मिले इसके लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो हम करेंगे। ठीक है रविदास जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, प्रयास करिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ, रविदास जी आएंगे आपके पास। जो पीड़ित है, जो कमजोर है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उषा जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, अब आगे आप क्या करेंगी? मैम, मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग की हूँ, इस वीडियो रिकॉर्डिंग को मैं इसलिए की हूँ कि मैं 2 साल से मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता जी, माननीय प्रोफेसर साहब जी, जिससे मैं पर्सनल मिल चुकी हूँ और कह के गुहार लगा चुकी कि वीडियो को उन्होंने देखे, और देखने के बाद वो जाने की इनका मंत्री कितना षड्यंत्रकारी है
और एक महिला का दर्द कैसा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिन भाइयों को मतलब जानते हुए मामला प्रकाश में आया तब से मुझे इतना तोड़ने की कोशिश किया गया, इतना तोड़ने की कोशिश किया गया कि चैनल पर तो बोल करके लविदास मल्होत्रा साहब जी ने गए कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। मैं टूटी नहीं, मुझे कहा गया आप चल करके ऐसे बोल दीजिए, ध्यान दे दीजिए, लेकिन साफ तारकनाथ यादव भूल गए। इसी धरती पर झांसी की रानी जैसी महिलाएं पैदा हुई है, इसी धरती पर वीर विरांगनाएं पैदा हुई है, लेकिन मुझे क्यों इतना तोड़ा गया कि मैं अपने बयान को बदल दूं। मैं अपनी स्वेच्छा से ये चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता जी, माननीय प्रोफेसर साहब देखे कि मैं सही हूँ या गलत। अगर मैं बयान बदल रहती तो कल कोई दूसर दूसरी इंसान मेरे अगर परेशानी में फंसती तो कोई इसकी मदद नहीं करता। मैं समाज में ये दिखाना चाहती, देखिए मैं दर दर भटक रही थी और मैं सही हूँ, आपका मंत्री गलत है। यहाँ पर जौनपुर की ये दशा हो गई है कि दिनों दिन खतौनी पर नाम निरस्त हो जाता है, मंत्री कार्यनाथ कहता है धारा 145 की जमीन पर कब्जा हो जाता है, इसका लड़का कहता है मुकदमे में मुकदमा इससे हो जाता है, सारे लोग अपनी फाइल ले लेकर के भाग रहे हैं। कमिश्नरी बोर्ड एक ही स्वर में कहते हैं कि पारसनाथ यादव के सर पर माननीय नेता जी का हाथ है। अब बताइए माननीय नेता जी, आपने कैसा वरदान दे रखा है अपने मंत्री को कि आपका मंत्री जमीन के बावजूद एक महिला की इज्जत तक उसका हाथ पहुंचता। ठीक है आपकी पीड़ा, आपकी पीड़ा उषा जी, आपकी पीड़ा में हम लोग साथ हैं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए रविदास भाई, अब इस सवाल का जवाब व्यक्तिगत तौर पर मत दीजिएगा, पार्टी के तौर पर। क्या कोई मानेगा पूरे दुनिया में, जैसे मैं पैरेलल उदाहरण रखता हूं ताकि बात अच्छे समझ में आए, मैंने सोनिया गांधी जी से शिकायत की ओंकार नाथ सिंह जी की, और सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि हाँ बिल्कुल न्याय होगा अमिताभ जी आपके साथ, और फिर भी ओंकार नाथ सिंह जी की सेहत पर फर्क ना पड़े, क्या ऐसा संभव है? उत्तर है नहीं। मैंने राकेश त्रिपाठी की शिकायत की मोहन भागवत जी से, अमित शाह से, नरेंद्र भाई मोदी से, फिर भी ये ताल ठोकते दूसरे दिन मेरे सामने आ गए, बोले क्या बिगाड़ लिया, क्या ये संभव है? नहीं ना। तो ये तीनों अदालत हुआ है, जो तीन बड़ी अदालत हैं आपकी, विशेष पीठ, खंडपीठ और संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की, तीन ही अदालत है ना आपकी पार्टी में, ये तीनों अदालतों में हुआ ही। उषा, सबने कहा तेरे साथ न्याय होगा, और उधर पारस के कान में बोल दिया कि जाओ यार सल्टा लो, तुम तो समझदार हो कर लो। रविदास जी, कोई भरोसा करे तो कैसे करे? देखिए अमिताभ जी, जब आप हमसे प्रश्न करें तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए मैंने पहले आपसे कहा कि उषा मौर्या के साथ अन्याय हुआ, और जो कमजोर पीड़ित और उसके साथ अन्याय हुआ है हम उसके साथ में हैं, और उषा मौर्या को न्याय मिले ये हम चाहते हैं, और जो मंत्री भी हो चाहे वो कितना ताकतवर क्यों ना हो, हम उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी कमजोर किसी जी, मेरा सवाल ही नहीं, मेरा सवाल है किसी आपका नेता तो ये क्यों नहीं चाहता कि कमजोर के साथ न्याय हो, मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल है आप ये बताइए आपका नेतृत्व तो ये क्यों नहीं चाहता कि कमजोर को न्याय मिले, ये सवाल है जी। अमिताभ जी, जो माननीय मुलायम सिंह जी हो, राम गोपाल जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, उनके पास इन्होंने कहा है, और मैं समझता हूं कि जो पारसनाथ जी कह रहे हैं वो सच नहीं है, तो पारसनाथ लगातार झूठ बोले हैं, और मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो, उषा मौर्या को न्याय मिले, इनकी जमीन पर जो कब्जा हुआ है न्यायालय का आदेश हुआ है उस न्यायालय के आदेश का पालन हो, और एक जो लाचार पीड़ित इसके साथ अन्याय हुआ है उसको इंसाफ दिलाने के लिए, आप साथ उसको न्याय दिलाने के लिए आप साथ में हम उसके साथ खड़े हैं। ओंकार जी, कोई अंधा बहरा भी मानेगा कि नेताजी रामगोपाल जी और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, उसके बाद भी जो दबाव डालने वाला पक्ष है उसका बाल बांका नहीं हो समाजवादी पार्टी और सरकार में, कोई मानेगा इस बात को? अमिताभ जी,
रविदास जी बहुत देर से बात कर रहे हैं, बार बार बिचारे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात पर आप लोग यकीन करें कि वो उनके साथ है। मंत्री के खिलाफ इन्होंने बयान भी दे दिया, वो व्यक्ति के तौर पर साथ है। याद दिलाना चाहते हैं हम उनको, याद दिलाना चाहते हैं कि कल बीपीएच के लड़कों का आंदोलन हुआ, लड़कों को एक सीमा के बाद जब नहीं जाने दिया गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया रोकने के लिए, उसमें लोग घायल हुए, उसमें गलती किसकी है ये मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन लाठीचार्ज किया ना तभी तो लड़कों को कंट्रोल कर पाए, तभी तो भीड़ को तितर बितर कर पाए, चाहे गिरफ्तार करके किया, उसमें घायल भी हुए वो अलग बात है। तो वही चीज मुख्यमंत्री नेताजी और रामगोपाल जी क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ी अच्छी बात है, तो निकाल देना चाहिए। अद्भुत बात कही आप तो ओंकार जी, ये पार्टी में और सरकार में लाठीचार्ज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, यही ना, यही बड़ा सवाल, बिल्कुल ये बड़ा भारी सवाल है। और इनको ये अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट संदेश है कि ये लोग मंत्री जी को बचा रहे हैं, मंत्री जी के साथ हैं। राकेश त्रिपाठी, जैसे मैंने उदाहरण दिया था अमित शाह जहां ले तो भाजपा का कोई प्रदेश का मंत्री, महामंत्री, संगठन मंत्री, अध्यक्ष रह सकता है क्या पद पर एक क्षण के लिए भी? व्यवहारिक सच क्या है? उत्तर है नहीं। वैसे ही नेताजी, रामगोपाल जी और मुख्यमंत्री जी जहां ले फिर कोई उत्तर प्रदेश में मंत्री रह सकता है क्या एक क्षण भी? देने कोई प्रश्न नहीं उठता। उषा मौर्या जी के पास जितने तरह के विकल्प हो सकते थे उन्होंने सारे विकल्प एक्सट्रीम लेवल दो साल हो गए, दो साल तक जाना, नेताजी तक जाना, रामगोपाल जी तक जाना, मुख्यमंत्री तक अपनी बात कहना, उन्होंने अपने सारी सीमाएं जहां तक वो जा सकती थी वो वहां तक गई। उसके बाद मंत्री जब ये खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि मुझे रामगोपाल जी ने बुलाया और ये कहा कि अब वो आई थी मेरे पास किसके लोगों के साथ, मैं जानता हूं पारस, उसको ठीक कर लो। देखिए ये कथन मंत्री का अपने आप में ये बता रहा है कि किस प्रकार से मिली भगत मंत्री की अपने मुख्यमंत्री के साथ, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ है, और कैसा खुला संरक्षण समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अपने मंत्री को है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अब डॉक्टर लोहिया के नाम को क्लेम करना बंद करना चाहिए। डॉक्टर लोहिया की आत्मा जहां कहीं भी होगी, अगर वीडियो स्ट्रीम को देख रही होगी तो शर्मिंदा हो रही होगी उनके समाजवादी विचार की। आज कैसी अर्थी समाजवादी पार्टी ने निकाली है, मजलूमों के साथ इस प्रकार का अत्याचार और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से हो रहा है, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में हो रहा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि एक मंत्री ने अत्याचार किया है, महत्वपूर्ण यह है कि इस मंत्री ने अपने शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में, उनके संरक्षण में अत्याचार किया है। और मंत्री यह स्वीकार कर रहा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमसे यह कहा कि जाओ इसको रफा दफा कर लो, जाओ इसको मैनेज कर लो, मीडिया बहुत पीछे पड़ी है तुम्हारे। ये सारी चीजें, सारे चरित्र को दिखा रहा है, समाजवादी पार्टी के पूरे चरित्र को दिखा रहा है कि किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव की वर्किंग स्टाइल है, किस प्रकार से अखिलेश यादव की वर्किंग स्टाइल है, किस प्रकार से प्रोफेसर साहब की वर्किंग स्टाइल है। ये समाजवादी पार्टी के पूरे चरित्र को दिखा रहा है, ये केवल एक मंत्री का चरित्र नहीं है। और यही कारण है कि इनके यहां एक मंत्री इस प्रकार का नहीं है, मंत्रिमंडल के सारे चेहरे एक से एक अद्भुत नहीं है, ऐसी प्रतिभाएं हैं, ऐसी प्रतिभाएं बहुत अद्भुत है। ऐसे कई पारस पत्थर है, ऐसे एक कोई पारस पत्थर नहीं है ये, ऐसे आप कितने मणि, कितने रत्न वहां मिलेंगे। आप गायत्री प्रजापति का उदाहरण देखिए ना, राममूर्ति वर्मा का उदाहरण देखिए, पूरा पश्चिम से बलिया से लेकर अंबिका चौधरी जी का उदाहरण आप देखिए, सरकार बनने के बाद आप एक से तमाम से लेकर के बलिया तक, तोता से लेकर चूजा तक तमाम है, सारे 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 कर्म किए हैं सरकार ने। रविदास जी, रविदास जी एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी, अमिताभ जी एक चीज, आपके चैनल पे इतनी बड़ी बहस चल रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहता हूं और आपसे भी चाहूंगा कि आप अपील करें। इतना बड़ा आपने जो स्टिंग ऑपरेशन खोला है उसमें उषा मौर्या की जान को भी खतरा हो सकता है, तो कम से कम सरकार कुछ करे न करे उसकी जान की सुरक्षा जरूर करे और उसको देखे किसी तरह से, जो मामला समाधान होना है वो तो बात की बात है, मगर आप प्लीज अपने बिल्कुल करवाएगा। रविदास जी एक पुरानी कहावत है गांव टोले में, चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। मामला वैसे ही है क्या? देखिए अमिताभ जी, जी ये पारसनाथ यादव कह रहे हैं ना, तो जब पारसनाथ यादव खुद ही अन्याय कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने ये कहा, रामगोपाल जी ने ये कहा, अखिलेश जी ने ये कहा, तो मेरा ये मानना है कि पारसनाथ यादव झूठ बोल रहे हैं और उषा मौर्या तो कार्रवाई रविदास जी और जरूरी हो जाती है। अगर हम पीछे भी छोड़ दें, अगर स्टिंग में नाम ले रहे हैं तब कार्रवाई नहीं होती, तब तो इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा नजर आएगी, तब तो साफ हो जाएगा कि वो भी इन्वॉल्व है। एक मिनट रविदास जी, अभी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको रविदास जी, एक मिनट रुको,
एक मिनट रुको भाई, आप एक ही बात नहीं बार बार, पूरी बात सुन लीजिए, नहीं अभी एक मिनट रुको, बात सुन लीजिए, एक मिनट अभी, एक मिनट प्रश्न किया और गायत्री जी ने एक और प्रश्न कर दिया, आप बाबू एक जवाब है, आप जवाब अलग देंगे तो मैं अभी सुनूंगा, अन्यथा वही जवाब बार बार नहीं, टेलीविजन पर एक ही जवाब बार बार नहीं, मूल प्रश्न क्या है? नहीं गायत्री जी ने एक बात पूछी है वो सुन लीजिए जी, बोलिए। देखिए मैं गायत्री जी के बात सहमत हूं कि अगर मंत्री जी ने जो बात कही है उसके आधार पर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, आ गई बात, आपका जवाब आ गया। अगर कोई आदमी ये कहे, अपने बड़े अधिकारी या बड़े नेता या सर्वोच्च व्यक्ति का नाम दलदल में घसीटे झूठ, तो वो व्यक्ति तत्काल प्रभाव से दंड पा जाता है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। क्या ऐसा संभव है? रविदास जी आपने इतना राजनीतिक जीवन जी लिया, दिल पर हाथ रख के बोलिए, संभव है कोई आदमी मुलायम सिंह जी का नाम ले ले, कोई आदमी रामगोपाल जी का नाम ले ले, कोई आदमी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नाम ले ले? अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा जो पारसनाथ ने क्लेम किया, तो यही अपराध बहुत है पारसनाथ यादव से मुक्ति पाने के लिए, यही अपराध बहुत है। क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये कह सकते हैं कि मैंने ये जो उल्टा बयान दिया है ये अमित शाह जी के कहने पर दिया और उसके बाद पद पर रह सकते हैं? नहीं। क्या निर्मल खत्री बोल सकते हैं कि मैंने ये जो गलत फैसला कर लिया ये राहुल गांधी ने कान में मुझसे कहा था और उसके बाद पद पर भी रह सकते हैं? संभव नहीं, ये किसी पार्टी में संभव नहीं रविदास जी, इसलिए इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, जान लीजिए। और अगर पारसनाथ यादव ने गलत नाम लिया है तो छोड़िए उषा मौर्य को, छोड़िए दो चार पांच बीघा जमीन को, इतना ही अपराध बहुत है पारसनाथ यादव को दंड देने के लिए। गलत बोला क्या रविदास जी? नहीं अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं, जो ये बात है उसी के आधार पर पारसनाथ यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि उषा मौर्य जो पीड़ित महिला है उसके उसको न्याय मिले, उसको इंसाफ मिले, हम उसके साथ में हैं। और इस रूप से जो आपने दिखाया है स्टिंग ऑपरेशन, कोर्ट का आदेश, उषा मौर्य का बयान और उसके बाद उनका बयान, इसके आधार पर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के पर्याप्त कारण है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अरे मंत्री के खिलाफ पहले आपसे कहा है, लेकिन रविदास जी हो नहीं रही है, राकेश जी आपके पास आएंगे ओंकारनाथ जी, जी रविदास जी आपकी बात आ गई। ओंकारनाथ जी देखिए अब तो कई घंटे बीत चुके हैं, एक तरफ कहते हैं मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ता सुधर जाए नहीं तो एक एक को सबक सिखा दिया जाएगा, ये तो उनका नाम लेकर कई घंटों से पद पर बने बैठे हैं। अगर एक बात और कह दो ओंकार जी, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक घटना याद रखनी चाहिए, शाहजहांपुर में दो गुट थे समाजवादी पार्टी में, एक के लीडर राममूर्ति थे, दूसरे का वहां का विधायक था। उस विधायक ने कहा कि भाई राममूर्ति ने चूंकि जाति की इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और वो पत्रकारों के साथ खड़ा हो गया। राममूर्ति लखनऊ आए और उनके आने का असर यह हुआ कि 15 मिनट के भीतर वो पार्टी से बाहर हो गया विधायक, जिसने ये मांग की थी कि राममूर्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो राममूर्ति का तो कुछ नहीं हुआ, उनके पर तो माथे पर रोली चंदन तिलक लगा के पगड़ी बांध दी, वो विधायक जरूर शहीद हो गया, वो जो उनके विरोधी गुट का था पार्टी में। ओंकार जी क्या उम्मीद करें? कोई उम्मीद मत कीजिए, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आपके प्रयास से थोड़ा बहुत एक्शन हो जाए तो हो जाए, वो होगा कि उषा मौर्य की जमीन मिल जाएगी, इनको हो सकता है सिक्योरिटी उपलब्ध करा दे। इसके अलावा ये सरकार अपने मंत्रियों को पूरी तरह से बैक करती है और ये आज से नहीं कर रही है। 1989 में जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी ये तब से हो रहा है। 1990 में आजम खान मिनिस्टर थे, मैं उस समय मुख्य व्यवस्था अधिकारी हुआ करता था स्टेट गेस्ट हाउस में, दिल्ली में मेरे साथ उनकी झड़प हुई और झड़प होने के बाद इनके डिपार्टमेंट के सारे मिनिस्टर मेरे पास आए कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करना सिंह साहब, हम आपके साथ हैं।
और एक ही बार में मुख्यमंत्री जी उस समय थे मुलायम सिंह जी, झड़प लगाई उन्होंने, सारे के सारे दुबक के चले गए उनके साथ में और मुझको सस्पेंड कर दिया गया था और 3 दिन हाउस में ही हंगामा होता रहा। तो इसलिए ये आज से नहीं कर रहे हैं, हमेशा से इनकी आदत है, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप सोचें इनसे कोई ईमानदारी की उम्मीद की जाए, वो संभव नहीं है। राकेश जी 1% 2% कुछ उम्मीद? नहीं नहीं कोई उम्मीद नहीं। मेरी तो चिंता इस बात पर है कि रविदास जी ने आज जो साहस दिखाया है कि मंत्री की आलोचना की है और आज उन्होंने कहा है कि मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूंगा, उनको चिंता इस बात की है कहीं रविदास जी पर कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि रविदास जी जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, विधायक हैं। वस्तुतः वास्तविकता में इनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को स्थान मिला जो ज्यादा से ज्यादा लूट खसोट करके सरकार के हिस्से को बढ़ा सके, परिवार को प्रसन्न कर सके, आशीर्वाद उनको ही मिलता रहा है। रविदास जी ने सच कहा है, मुझे लगता है खामियाजा कहीं रविदास जी को न भुगतना पड़े, इस नाते मैं अपनी चिंता जाहिर कर रहा था रविदास जी के साथ में। अमिताभ जी मुझे लगता है कि जिस प्रकार का चरित्र अब तक समाजवादी पार्टी का देखने को मिला है, कहीं किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। और उषा मौर्य जी इससे पहले ही जा चुकी है, उन तीनों अथॉरिटी के पास जा चुकी है, इस परिवार की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, नेताजी के पास, रामगोपाल जी के पास, मुख्यमंत्री के पास, ये तीनों शक्ति संपन्न है जो इसमें कार्रवाई कर सकते थे और अब तक कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। विश्वास मानिए जैसी गायत्री प्रसाद प्रजापति के मामले में हुआ, जैसा राममूर्ति वर्मा के मामले में हुआ, जैसा अंबिका चौधरी के मामले में हुआ, वैसा ही पारसनाथ यादव के मामले में होगा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। उषा मौर्य जी अपने बयान को वापस लेने के लिए मजबूर की जाएंगी, विधायक जी को शांत कराया जाएगा कि इस मुद्दे पर मीडिया में बयान नहीं देना है, निश्चित तौर पर ऐसा ही दृश्य हमको आने वाले समय में देखने। रविदास जी छोटी सी टिप्पणी, लंबी लंबा जवाब, छोटी सी टिप्पणी, कोई 1-2-5% उम्मीद? अमिताभ जी अभी आपने एक बात कही, जिस दिन जो है जगेंद्र सिंह जो पत्रकार की हत्या हुई थी, और आप अपने चले घुमा लीजिए, सबसे पहले मैंने मांग करी थी, मुझे याद है, मैंने आपकी सराहना भी, खिलाफ कार्रवाई हो जे। और जो पत्रकार हैं, तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया और मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। अगर मैं किसी कमजोर के साथ खड़ा हूं तो मैं हर कुर्बानी करने को तैयार हूं, और मुझे जो पीड़ित लोग हैं और जो असहाय और बेबस लाचार और कमजोर लोग हैं, अगर उन पर कोई अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ हम अपनी बात कहेंगे, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो। इसलिए मैं जो उषा मौर्य जी हैं, ये पीड़ित हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है और मैं इनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। लेकिन अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होगी कि नहीं, इस पर जवाब नहीं दीजिएगा। अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। देखिए अब प्रश्न कहां पर आके खड़ा हो गया इस 1 घंटे की बहस के बाद। मैं 2 लाइन में अगर कहूं तो इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवा क्यों लुटा, रहजनों से हमको गिला नहीं। राममूर्ति पारस वो एक वो था जिस पर 376 का मुकदमा था, उसका भी नाम था मनोज पारस, वो ऐसे जो तमाम लोग हैं, चूजा तोता, ये तमाम लोग हैं, तोता मैना टाइप प्रजातियां, इनसे गिला नहीं मुझे, रहजनों से मुझको गिला नहीं, तेरी रहवरी का सवाल है। और दूसरी बात, रविदास भाई आपका सम्मान मैं हृदय से करता हूं, आपकी पार्टी में ऐसे लोग मुझे तो नहीं मिलते जो इतना साहस तो करें कि मैं कुर्बानी भी देने को, खामियाजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन गरीब के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे पता है जब सरकार आई थी तो आपने एक प्रश्न बहुत अद्भुत लगाया था, जो प्रश्न उत्तर प्रदेश की सरकारों, हर सरकार के लिए असहज करने वाला है, किसी पार्टी की सरकार रहे, क्योंकि वो जिस औद्योगिक समूह से जुड़ा प्रश्न था उसके मालिकों के रिश्ते हर सरकार के मुख्यमंत्री के साथ अंतःपुर वाले रहे हैं, अंतःपुर वाले, बाहर वाले नहीं, अंदर वाले। वो आप में ही साहस था कि आपने प्रश्न लगा दिया था विधानसभा में, ओंकार जी समझ गए होंगे, वो आप में साहस था, मैं उसको सलाम करता हूं। लेकिन आज प्रश्न क्या है, आज प्रश्न है कहां पर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर रे, किसके नाम का सिंदूर भर ले मांग में, सब जगह तो हो आई है महिला, कोई मस्जिद मजार देवालय शिवालय गिरजाघर गुरुद्वारा छोड़ा क्या राजनीति का, सब जगह तो हो आई, हर देवता ने कहा कि जा तेरे साथ न्याय होगा, बच्ची हुआ तो नहीं ना।
मंत्री कह रहे हैं कि हमसे उन देवताओं ने कहा जाओ यार सेटल करो, ये मीडिया क्या बवाल कर रहा है, सेटल करो। और जो लोग राजनीति और सार्वजनिक जीवन में रहते हैं रविदास भाई, आप हृदय से मेरी बात से सहमत होंगे, राकेश भी सहमत होंगे, ओंकार भाई सहमत होंगे, जब वो बड़ा आदमी बोलता है रफा दफा करो यार निपटाओ, इसमें कई संदेश एक साथ होते हैं, निपटाओ चाहे जैसे निपटे, इस निपटाने में आदमी को भी निपटना पड़ जाए तो चिंता नहीं, निपटाओ। ओंकार जी यही होता ना संदेश, यही संदेश होता है रविदास भाई। इस महिला की हिम्मत को भी मैं दाद देता हूं, मैं जानता हूं एक विधायक के सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के खिलाफ लड़ना मुश्किल है और फिर इतने प्रभावशाली मंत्री के खिलाफ लड़ना, इस महिला की हिम्मत को भी प्रणाम, साहस की मूर्ति है ये महिला, कितना दबाव होगा इसके जीवन पर मैं यहां बैठकर महसूस कर रहा हूं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मां हो है हर समय डरती होगी, फिर भी उसूल पर खड़ी है, इसके लिए अच्छा रास्ता था, मंत्री जी कह रहे थे लड़के को नौकरी दे देंगे पैसा भी दे देंगे, बवाल मत करो, स्वीकार कर लेती है महिला, क्या दिक्कत थी, और सच में नौकरी मिल जाती लड़के को, ठेका कोटा परमिट भी मिल जाता, राशन की दुकान भी मिल जाती और जितना पैसा मांगती वो भी मिल जाता, सिर्फ इसको इतना बोलना था टीवी पर आके कि पारस जी अच्छे आदमी है गरीबों का ख्याल रखते, इतना ही तो बोलना था, इसने उसूलों से समझौता नहीं किया। रविदास भाई हमारे राजनीतिक बिरादरी के नेतृत्व से तो ये उषा वर्मा लाख गुना बेहतर, जो लालच में नहीं झुकी, जो भय से नहीं टूटी, जो दबाव में नहीं झुकी, जो जो गुण हम राजनीतिक नेतृत्व में चाहते हैं वो गुण तो मुझे उषा मौर्या में दिखाई दिए। इस महिला ने बताया कि जब आप बुराई से लड़ने चलिए तो जो घर फूके आपनों चले हमारे साथ, उस तेवर में आइए, इसलिए इसको सलाम। अच्छी बात कही ओंकार जी ने, मैं दो मांग करूंगा सरकार से, पहला मसला यह नहीं कि इसकी जमीन का पैसा इसको मिल जाए या जमीन वापस अब मिल जाए, जमीन तो वापस मिले ही मिले, लेकिन मंत्री दंडित होना चाहिए, मंत्री दंडित होना चाहिए, जमीन वापस मिल जाए तब भी दंडित होना चाहिए, क्योंकि पाप तो हो चुका एक, और दूसरा यह हुकूमत है उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है कि उषा मौर्या और उसके परिवार का जीवन सुरक्षित रहे, ये जान लीजिए, इनके साथ कोई दुर्घटना होती है रविदास भाई तो जान लीजिएगा पूरी सरकार का इकबाल कटघरे में खड़ा हो जाएगा। मंत्री तो छोटा आदमी होता है, पार्टी बड़ी होती है, पूरी पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाएगी इस स्टिंग के बाद, अगर इस महिला और इसके बाल बच्चों को कुछ हुआ, लोगों का न्याय से भरोसा उठ जाएगा, उत्तर प्रदेश में अंधकार छा जाएगा, अंधकार, देश का सबसे बड़ा सूबा अपनी बदहाली पर आंसू बहाएगा। ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है आपकी ईमानदारी का, ये टेस्ट केस है आपके इकबाल का, ये टेस्ट केस है आपके जमीर का। 17 दूर नहीं, बड़ी अदालत लगेगी, मुंसिफ के यहां से स्टे लेना सरल है, जनता की अदालत में स्टे नहीं होता रविदास बाबू, जनता की अदालत में तो या तो जीत होती है या वनवास होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए निवेदन करने आया हूं, इसलिए ये इस महिला के साहस को समर्थन देने के लिए हमने ये स्ट्रिंग चलाने का फैसला किया, ताकि प्रदेश में ये संदेश जाए कि कोई मंत्री इतना ताकतवर नहीं जिसके खिलाफ बोलने से डरा जाए, कोई सत्ता इतनी ताकतवर नहीं जिसके खिलाफ सचवात कहने से पहले टांगे कांपें, जवान लड़खड़ाए, ऐसा कोई नहीं। हर आदमी सार्वजनिक जीवन में जो भी सरकार है, सत्ता है, पार्टी है, विधायक है, सांसद है, कोई भी है, वो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी है, वो जवाबदेह है जनता के लिए, और जो जनता के लिए जवाबदेह है उसके हर कृत्य की समीक्षा होगी जनता की अदालत में, यह ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश त्रिपाठी जी आपका, ओंकार नाथ जी आपका, रविदास जी आपका, उषा मौर्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।